राजनामा दुनिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश, विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा। केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडी अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं, ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा। मोदी जी है जो ये टर्म पूरी करेंगे। मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।